तो बीजेपी की हरियाणा इकाई ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। गुरुग्राम से सभी विधानसभा कार्यालयों को शुरू किया है, इनका उद्घाटन किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 90 कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन किया। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, 90 कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बजा दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर तो चर्चा है ही, यहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है और लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव पर भी भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर है, यह बात आप कह सकते हैं। हरियाणा बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया, गुरुग्राम से सभी विधानसभा कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दिया है और लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव को भी लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि काले रमन फोनलाइन पर आ चुके हैं। रवि काले रमन, देखिए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को भी अभी से साधना शुरू कर दिया है, गुरुग्राम से सभी विधानसभा कार्यालयों का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया गया। रवि, बिल्कुल बसंत, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम दौरे पर थे और गुरुग्राम दौरे पर जो बीजेपी ऑफिस है उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और वहां से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम जो बातें हैं वो कही गई। सबसे पहले चुनाव एक पर्व है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए कहते हुए नजर आए। इसके साथ साथ बीजेपी तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पहले ही कर लेती है, तो उसी कड़ी में ये जो तैयारियां हैं चुनाव की, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, तो आज विधानसभा के 90 के 90 हलकों पर बीजेपी की तरफ से उद्घाटन जो है कार्यालय का वो किया गया है और इसके पहले 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में भी बीजेपी के ऑफिस का उद्घाटन जो है वो किया गया था, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जो है वो किया गया था। अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि चुनाव नजदीक है और किसी भी वक्त जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर काम करें, कार्यकर्ताओं को भी वो मंत्र देते हुए नजर आए। इसके साथ साथ बात की जाए तो जो 10 की 10 है लोकसभा की जो सीटें हैं वो जीतने का दावा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यहाँ किया गया है। बिल्कुल रवि काली रमन, देखिए इलेक्शन मशीन के तौर पर जाना जाता है भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है अभी बहरहाल कुछ दूर है विधानसभा चुनाव, लेकिन नजरें भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव पर भी बराबर टिकी हुई है। रवि, बिल्कुल बसंत, देखिए जिस प्रकार से चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है तो अपने आप में तैयारियां वो दर्शाता है कि किस प्रकार की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी करती है। जब भी कोई चुनाव आता है उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसी कड़ी में ये तमाम ऑफिसेज खोले गए हैं, सबसे पहले लोकसभा चुनाव होने, उसके कुछ महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो कार्यालय खोले गए ये पहले लोकसभा चुनाव में काम आएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी ये कार्यालय जो है कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं और उसी के चलते ये तमाम जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से उद्घाटन जो है पंचकुला के जो बीजेपी कार्यालय है वहां से वर्चुअल माध्यम से पूरे प्रदेश के 90 के 90 हलकों में ये कहीं ना कहीं चुनाव कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि काली रमन, जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 90 कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन कर दिया है।